भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को लेकर कृष्ण भक्तों में काफी उत्साह है। घर से लेकर मंदिरों तक तैयारियां जोरों पर है। कई जगह पर साफ सफाई तो कई जगह पर सजावटें देखने को मिल रही हैं। आज हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर जिले के केक की दुकान पे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस केक की दुकान पे जो केक लगे हुए हैं इन केकों को दिखाएं। कृष्ण भक्तों की तरफ से बड़ी संख्या में दुकान को ऑर्डर मिल रहे हैं, जहां पे मटकी वाले केकों की भारी डिमांड आप देख सकते हैं कि नए नए डिजाइन के जो केक है मटकी वाले इसकी भारी डिमांड है। इन केकों में देख सकते हैं कि मोरपंख से लेकर बांसुरी तक, माखन तक, इसके साथ साथ जो अन्य चीजें हैं जो सजावट की उसका भी उपयोग जो दुकानदार है उनकी तरफ से किया गया है। चलिए हम जो इस दुकान के ओनर हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उनकी तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई थी और इस बार कितने केकों की डिमांड आई है, क्या खास है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत अरोरा है। भारत जी, ये बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किस तरह की तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? जन्माष्टमी में बहुत हैवी डिमांड रहती है मटकी वाले केकों की और हमेशा होता है कि ऑर्डर ही पूरा नहीं हो पाता। हमने काफी कोशिश की है इस बार भी स्टॉक मेंटेन करने की। अब देखते हैं शाम तक रिस्पांस, तो अभी तक बहुत अच्छा सुबह से ही शुरू हो गया कस्टमर्स का। आप भी देख रहे हैं लगातार कस्टमर आ रहे हैं और केक परचेस कर रहे हैं। तो कितने केकों का ऑर्डर आया है अब तक? अभी तक लगभग 200-250 केक मैं बना चुका हूँ और शाम तक लगभग 450-500 केक और बनाऊंगा। अच्छा, अगर रेंज की बात करें तो कौन कौन सी रेंज है आपके पास, किस किस रेंज के केक है? मटकी केक होता है 350 रुपए से मेरे पास स्टार्ट हो जाता है और बाकी अपर रेंज जो है फ्लेवर और साइज के हिसाब से ऊपर जाती रहती है। अगर बात करें डिजाइन के, कौन कौन से डिजाइन इस बार बनाए गए हैं जो बेहद खास है? अभी मटकी में ही मोरपंखी है, बांसुरी डिजाइन है, श्री कृष्णा के जन्माष्टमी स्पेशल केक बन रहे हैं, रसमलाई केक बन रहे हैं, फ्रूट्स केक बनते हैं, मिल्क केक, खोया केक, बहुत तरीके के केक लोग मांगते हैं। ग्राहकों को कौन कौन से केक जो जिसकी भारी डिमांड है, ग्राहक खरीदारी उसकी कर रहे हैं? खरीदारी इस समय सबसे ज्यादा पाइनएप्पल और मिक्स फ्रूट की जो है ग्राहक सबसे ज्यादा मांग रहे हैं इनके फ्लेवर्स को और काफी पसंद किया जाता है फ्लेवर मेरे वहाँ का। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं उन्होंने बताया कि कृष्ण भक्तों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह है। भक्त बड़ी संख्या में केक की दुकान पे पहुंचकर मटकी वाले केकों की खरीदारी कर रहे हैं। इसमें अलग अलग डिजाइन है। चलिए कुछ और व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई थी और क्या कहना चाहेंगे, कितनी बिक्री है इस बार उनकी। हम पहुंच चुके हैं केक की दूसरी दुकान पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इस दुकान का ये काउंटर दिखाएं। इस काउंटर में आप देख सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कई तरह के केक बनाए गए हैं जो सुंदर सुंदर जिनके डिजाइन है। मटकी वाले केक है, इसमें बांसुरी, मक्खन और मोरपंख का भी विशेष ध्यान रखा गया है और इसमें भगवान कृष्ण की फोटो भी लगाई गई है। ये तमाम केक जो है ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दुकानदार की तरफ से बनाए गए हैं, इसकी काफी डिमांड भी है। चलिए यहाँ के जो ऑनर है इनसे हम बातचीत कर लेंगे और जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उनकी तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई थी और क्या कहना चाहते हैं वो। क्या नाम है आपका? जी सतीश कुमार। सतीश जी, ये बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई थी? ये विभिन्न तरह के केक बनाए हैं जो कि ग्राहकों को आकर्षित करें और उन्हें पसंद आए। कितने दिन पहले से तैयारी हो रही थी? हफ्ते भर पहले से सारी तैयारी शुरू हो जाती है कि अच्छे से अच्छे माल जो भी हमारे पास शॉर्ट हो रहे हैं सबको पूरा किया जाता है कि समय आने पे किसी भी ग्राहक को कोई चीज की कमी ना रहे। जन्माष्टमी काफी पवित्र त्यौहार है, इसमें शुद्धता का ध्यान रखने के लिए आप किस तरह के कदम उठाते हैं? एक हफ्ते पहले से पूरी सफाई शुरू हो जाती है बेकरी में, जहाँ भी जो भी चीजें है हर चीज का साफ सफाई की जाती है और इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ये भगवान को भोग लगना है तो पूरी एक टू जेड चीजों को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा करके पूरे कमरे की धुलाई होती है। हर चीज की धुलाई तो खैर रोज ही होती है पर एक अलग तरह की सफाई जिसमें एक एक चीज को साफ किया जाता है। अच्छा, बात करें डिजाइन की तो कौन कौन से डिजाइन इस बार बनाए हैं जो ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं? मटकी वाले केक है, मिल्क केक है और आपके ड्राई फ्रूट केक हैं, फ्रूट केक हैं, फ्लेवर सारे फ्लेवर उपलब्ध हैं, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच, ब्लैक फॉरेस्ट। अगर ऑर्डर की बात करें कौन कौन से केक, कितने केकों के ऑर्डर आपके आ चुके हैं? अभी तक लगभग 100 से ज्यादा केकों के ऑर्डर आ चुके हैं। क्या उम्मीद है इस बार बिक्री की? अच्छा है, भगवान के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, इसको देख के थोड़ा खुशी होती है। जैसे लोग अपने बच्चे के बर्थडे के लिए करते हैं, अब थोड़ा थोड़ा लोगों में रुझान आ रहा है इस चीज को लेके कि भगवान को भी वो ये देख के चल रहे हैं, एक पवित्र रिश्ता रख रहे हैं भगवान से कि भाई उन्होंने सब कुछ हमें दिया है, आज हमें उनका बर्थडे भी जैसे अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे भगवान का बर्थडे से ध्यान दे रहे हैं। कौन कौन सी रेंज के केक हैं आप पे? मेरे पास 120 रुपए पाउंड से शुरुआत है
और आपका 200 250 300 रुपए तक की रेंज के हैं, और 300 रुपए किलो मिलके जो हम दे रहे हैं मार्केट से, हमारी हर चीज के रेट बहुत जायज है, हर दुकान से हमारे रेट बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेके एक हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इस दुकान को दिखाएं कि इस दुकान को विशेष तौर पर सजाया भी गया है और कृष्ण जन्माष्टमी का जो है चित्र भी लगाया गया है, इसके साथ भगवान कृष्ण का चित्र लगाया गया है और तमाम तरीके से आप देख सकते हैं इस दुकान को सजाने का प्रयास किया गया है कि जगह जगह गुब्बारे लगाए गए हैं और बाजार से लेके दुकानों तक और दुकानों से लेके घरों तक और घरों से लेके मंदिरों तक जो है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेके भारी उत्साह नजर आ रहा है और भक्त भी बड़ी संख्या में पहुँच कर केकों की खरीदारी कर रहे हैं ताकि आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।